दोस्तों आज मैं आपको लेके आ गया हूँ पल्वराइजर की नई दुनिया में, जहाँ आपको 2 HP से लेके 20 HP तक के पल्वराइजर देखने को मिलेंगे। यानी आपका जैसा बजट होगा वैसा पल्वराइजर आपको यहाँ बना के दिया जाएगा। मैं एक बड़े से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हूँ और जगह है ये गुजरात, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में हूँ, और वहीं एक मशीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी पल्वराइजर की मशीनों का निर्माण यहाँ होता है और बड़े स्केल पे जो है यहाँ पल्वराइजर का निर्माण होता है। तो वहीं पे हूँ और आज यहाँ से शानदार जानकारी मिलने वाली है। जो भी भाई अभी तक आटा चक्की व्यवसाय अभी तक आटा चक्की बिजनेस को नहीं शुरू कर पाए हैं, तो आज आपकी तलाश पूरी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी सर, आपका भी हमारे न्यू गोकुल इंडस्ट्री में स्वागत है। तो आज पल्वराइजर के कौन कौन से वेरिएंट हमारे दर्शकों को आप बताने वाले हैं? सर मल्टीपल टाइप के मशीन हम बनाते हैं, 1 HP से लेकर 20 HP तक। तो मैं आज आपको नंबर से सारे मशीन दिखाती हूँ सर। तो सबसे पहले कौन से मशीन को आप दिखाएंगे? सबसे पहले ये है टेबल टॉप स्टील बॉडी की मशीन है, घरेलू उपयोग के लिए 1 HP, 1.5 HP और 1.5 HP, इस तरह से 3 वेरियंट इसमें आते हैं। ये होती है घर यूज के लिए। बिल्कुल, घर में रखकर अगर अपना घरेलू इस्तेमाल के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए रखना है तो आप इस तरह के पल्वराइजर को दोस्तों रख सकते हैं। कितने HP का मोटर इसमें लगा हुआ है? इसमें सर एक 1 HP का आता है, एक 1.5 HP, 1.25 और एक 1.5 HP, इस तरह से 3 मॉडल है। प्रोडक्शन क्या होगा इसका? 1 HP लेते हैं तो 3 से 5 किलो, 1.5 HP लेते हैं तो 7 से 8 किलो और 1.5 HP लेते हैं तो 8 से 10 किलो। उसके बाद कौन से मॉडल पे आ पाएंगे? उसके बाद आप सेकंड देख सकते हैं, ये है 1 HP बॉक्स टाइप मशीन है, जो घर पे ही यूज होती है, जो सिंगल फेस में चलती है। इसमें भी आप सारे टाइप के अनाज और जितने भी दालें हैं वो आप इसमें पीस सकते हैं। इसके साथ हम देख रहे हैं बहुत सारा कुछ इसके अंदर रखा हुआ है, क्या क्या इसके साथ मिलने वाला है? इसके साथ सर आपको पहले तो 0 से 7 नंबर की 8 जालियां मिलती हैं, ब्रश मिलता है, उसके बाद व्हील्स मिलते हैं, वाइट क्लॉथ मिलता है, कंटेनर मिलता है और इस तरह की रेड कलर की थैली मिलती है। और बिल्कुल दोस्तों ये पोर्टेबल है, कहीं भी इसको लेके आप जा सकते हैं। इसके नीचे जो है पहिया लगा हुआ है, आप घर के एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत आसानी से जो है आप इसको लेकर जा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, इस तरह से अंदर का वर्क है, जिसमें चैम्बर लगे हुए हैं, कंटेनर लगा हुआ है, ऊपर LED लाइट दी हुई है, इस तरह से पूरा व्यवस्था की गई है मशीन की। और बिल्कुल देखने से ये लगेगा कि घर में टेबल वगैरह है, एकदम सेफ्टी फीचर्स को काफ़ी ध्यान में रखा गया और बिल्कुल जो है प्लाई से जो है कवर करके इसको बनाया गया है। बिल्कुल सर, इसमें प्लाईवुड है, पूरा इसका बॉडी प्लाईवुड है, कॉपर वेंडिंग मोटर है, 1 साल की मोटर की गारंटी आती है। अब इसके बाद कौन सा नेक्स्ट पल्वराइजर है? अब सर घरेलू हो गया है, अब अगर किसी को कमर्शियल यूज के लिए मशीन चाहिए जिसमें उसको मसाला प्लस आटा एक ही मशीन में पीसना है, तो उसके लिए हमारी कंपनी ने डिजाइन की है मसाला वाला पल्वराइजर, जो 2 HP से लेके 10 HP तक मिलता है। तो ये जो पहली नंबर पे है ये 2 HP की सिंगल चैम्बर है, 3 HP सिंगल चैम्बर है, इस तरह से 5 HP सिंगल चैम्बर और 5 HP का ही डबल चैम्बर है, इसमें डबल चैम्बर लगा हुआ है। इसी तरह से सिंगल चैम्बर और डबल चैम्बर के 2 वेरिएंट आते हैं। डबल चैम्बर में ज़्यादातर कस्टमर्स डबल चैम्बर ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि 1 टाइम में ग्राइंड होकर आपको पाउडर मिलता है, हल्दी पीसना है, मसाला पीसना है, वो भी आपको 1 टाइम में मिलता है। इस मशीन में ये जो कंटेनर दिया हुआ है, यहाँ से आप ऑल टाइप ऑफ अनाज, गेहूँ है, बाजरा, मकई पीस सकते हो, प्लस यहाँ पे एक अटैचेबल हॉपर दिया जाता है, इस तरह से वहाँ पे आप जितने भी मसाले हैं सूखे मसाले ड्राई फॉर्म में वो आप यहाँ से पीसेंगे, इस तरह से रहता है सर। यानी मल्टीपर्पज पल्वराइजर है, आप मसाला का भी काम कर सकते हैं साथ में गेहूं की पिसाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको हॉपर भी अटैच करके दिखा देती हूँ किस तरह से है। और ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हॉपर लग इसमें अटैच कर दिया गया है और ऐसे करके आप यहाँ से मसाला वगैरह का भी काम कर सकते हैं। यानी जमाना आधुनिक है तो आज टेक्नोलॉजी भी जो है वो मॉडर्न होते जा रही है और इसी में जो है मसाला वगैरह का काम लोग करेंगे। जी बिल्कुल सर, ये जो आप हॉपर देख रहे हो ये अटैचेबल है, जिसका सिर्फ गेहूं अनाज का काम है तो वो गेहूं अनाज, और जिसका मिक्स का वर्क है तो ये अटैच करके मसाला भी पीस सकते हैं, इस तरह से। इसके बाद हम देख रहे हैं एक छोटी सी मशीन है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, इसके बारे में बताइए। ये सर ये मकई पीसने की मशीन है, जिसमें आप 1 टाइम में आप अगर मकई यहाँ रखते हैं तो वो वैक्यूम की सहायता से खींचता है और आपको दो या ग्राइंड करके आपको डायरेक्ट आपको मटेरियल प्राप्त कराता है, तो ये वो मशीन है। तो बिल्कुल, जो अगर मकई की रोटी खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए ये मशीन जो है
स्पेशल है और इसमें आप मक्का को पीस सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मकई के लिए स्पेशल बनाई गई मशीन है न्यू गोकुल इंडस्ट्री की। अब ये शायद राइस मिल है। बिल्कुल सर, ये जो मशीन है सर राइस मिल मशीन है। इसमें आप जैसे धान डालते हैं तो धान का भूसा अलग निकलता है और पॉलिश होता है, उसके बाद सीधे आपको मटेरियल मिलता है, आपको चावल के दाने मिल जाएंगे। कम समय में आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, ये वो मशीन है। यानी मिनी राइस मिल कोई लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह के मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये विथ मोटर विदाउट मोटर दोनों में अवेलेबल है। किसी के पास मोटर है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर परचेस कर सकता है सर। अब इसके बाद ये कौन सी मशीन है? ये सर जो है ये मसाला ब्लोअर मशीन है। ओनली मसाला पीसने के लिए अगर कोई मशीन चाहता है कि मसाला पीस के हम बिजनेस करें तो ये वो मशीन है। इसमें सिर्फ ड्राई फॉर्म में जितने भी मसाला है, हल्दी मिर्ची धनिया, जिसमें से लिक्विड ना आता हो, ऐसी जो भी मसाले हैं वो इसमें पिसाते हैं सर। और ये भी 2 HP से लेकर 10 HP तक हम स्वयं यहाँ पे बनाते हैं न्यू गोकुल में। यानी ये मसाला ही स्पेशलिस्ट मशीन है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं आप, अगर जिसका सिर्फ मसाला का बिजनेस है ये उसके लिए ही बना हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि पल्वराइजर के जो है अलग अलग मॉडल और हैवी ड्यूटी की जो है मशीनें हैं, ये कितने एचपी का पल्वराइजर है? सर जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे ये MS पल्वराइजर है 2-in-1, तो ये 10 HP का विदाउट साइक्लोन है और ये विथ साइक्लोन है। कई बार कस्टमर का ऐसा है कि हमको साइक्लोन अटैच चाहिए तो उसके लिए ये डिज़ाइन की गई है, और कभी होता है कि ओनली 10 HP का पल्वराइजर चाहिए तो ये वो मशीन है सर। ये 2-in-1 मशीन है, मसाला प्लस अनाज दोनों इसमें होता है। तो ये तो 10 HP की है, अब इसके बाद कौन सा मॉडल आपके पास है? इसके बाद हमारे पास 20 HP का भी मशीन है, जिसमें इससे भी हैवी ड्यूटी है वो मशीन, बेल्ट पुल्ली वाली मशीन है, तो वो मैं आपको अब दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों अब 20 HP के मशीन को देखते हैं। चलिए सर मैं आपको 20 HP के बारे में बताती हूँ। ऊपर 20 HP की जो मशीन है सर, ये इसमें 20 HP की मोटर लगी हुई होती है, प्लस अगर किसी के पास 15 HP की मोटर है तो वो भी आप उसमें फिट कर सकते हो। विथ मोटर विदाउट मोटर दोनों में अवेलेबल है। प्लस इसमें जो टोटल ब्लेड है वो 8 ब्लेड आगे दिए गए हैं, और प्लस डबल चैम्बर है इसलिए छोटा चैम्बर पीछे अटैच किया है वो 4 का है। इस तरह से 8 + 4 = 12 कटर मिलके ये मशीन बनाया गया है, जो कुछ मिनटों में ही आपके जो भी अनाज है मसाले हैं आपको पीस के देता है। घंटे में कितना प्रोडक्शन है इसका? आराम से आप 200 से 250 किलो एक 1 आवर में आपको मिलेगा सर। तो दोस्तों पल्वराइजर के इतने सारे मॉडल को अभी आपने देखा, अब बात करते हैं ये इस वीडियो को देश के अलग अलग हिस्सों से लोग देख रहे हैं तो उन तक मशीनें कैसे पहुंच पाएंगी? हम ऑनलाइन वर्क करते हैं सर, प्लस साथ ही साथ आपको डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है उस पर हम लोगों हम कांटेक्ट करते हैं, लोग विजिट करते हैं हमारी कंपनी। तो ऑनलाइन जो नंबर दिया गया है उस पर आप जब भी फ़ोन करेंगे हम वीडियो कॉल पे आपको मशीन दिखाएंगे, व्हाट्सएप के थ्रू कंपनी की डिटेल्स भेजेंगे, मशीन की डिटेल्स भेजेंगे, तो उसके थ्रू भी हम डिस्पैच करते हैं मशीन। अब जो भी जितने भी पल्वराइजर आपने दिखाया है 1 HP से लेके 20 HP तक, तो क्या गारंटी वारंटी न्यू गोकुल इंडस्ट्री दे रही है? न्यू गोकुल इंडस्ट्री में अगर कोई भी आप मशीन लेते हो 1 HP से लेके 20 HP तक कोई भी, तो सभी मशीनों में 1 ईयर की मोटर की गारंटी आती ही है। तो वन ईयर के अंदर अगर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है तो आपको पीस टू पीस रिप्लेस करके देते हैं मोटर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू सर, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारी कंपनी में और आपका योगदान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये है किरण मैम और न्यू गोकुल इंडस्ट्री जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है, वहाँ मैम काम करती हैं और चीज़ों को काफ़ी एक्सप्लोर करके इन्होंने बताया। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और यहाँ पल्वराइजर के अलग अलग मॉडल का निर्माण होता है, जैसा आपका बजट है जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आपको यहाँ पल्वराइजर निर्माण करके दिया जाता है। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप पल्वराइजर से संबंधित किसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ का नंबर दे दिया है, आप कॉल करके पल्वराइजर मशीन या आटा चक्की बिजनेस से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।